बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए पेश करने वाले हैं एक छोटी सी सिंपल सी मगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी। ग्लोइंग स्किन किसकी ख्वाहिश नहीं होती, हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, हर कोई चाहता है कि उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा नीट नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए और पिंक और गुलाबी नज़र आए। और लिहाजा आपको पता है कि अब सर्दी है और सर्दी में हम बहुत ज़्यादा भी मेहनत अपने चेहरे के ऊपर नहीं कर सकते, ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक सिंपल सी मगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको सिर्फ आपने 1 वीक में सिर्फ एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। जी हाँ, रोज़ के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना, 1 वीक में एक दफ़ा ही आप इस्तेमाल करेंगे तो पूरा वीक आपका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा चमकदार रहेगा और खूबसूरत रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी इस रेमेडी को, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मेरे दोस्तों को पता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए तमाम अपडेट्स के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आपने ऐसा किया है तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो चलिए करते हैं आगाज़ अपनी इस रेमेडी का। इस रेमेडी में हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कॉफ़ी पाउडर के बारे में। जी हाँ, कॉफ़ी पाउडर आप इस तरह के पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर के अंदर पाई जाती है निकोटीन और इसके अंदर पाई जाती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपकी स्किन के ऊपर से डस्ट को और आपकी स्किन के अंदर के ब्लैक हेयर्स को बाहर निकाल करती हैं। इसके बाद हमने इस्तेमाल करनी है मसूर के दाल का पाउडर। जी हाँ, हम इस्तेमाल करेंगे मसूर के दाल का पाउडर। मसूर की दाल को मैंने ये देखिए पाउडर की शेप दे दी है, इसको पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, जो कि बहुत आसान है। मसूर की दाल ले लीजिए और उसको साफ कर लीजिए, उसके बाद आप इसका पाउडर रेडी कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमने तीसरी चीज ऐड करनी है वो है मेरे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आपके पास घर की है, यानी कि घर के अंदर आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो आप वहां से यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डजंट मैटर, आप इसको भी खरीद भी सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इफेक्ट एक जैसा ही होगा। तो चलिए करते हैं आगाज। सबसे पहले मैं जो है अपने इस कॉफी पाउडर को इस्तेमाल करूंगी। ये हमने फ्रेंड्स इस्तेमाल करना है 1 स्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगी अपने इस खाली बाउल के अंदर। ये देखिए 1 स्पून आपने ले लेना है और सेम क्वांटिटी में आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है मसूर की दाल, यानी 1 स्पून आपके पास ये है तो 1 स्पून ही आपने इसके अंदर ये मसूर की दाल ऐड करनी है और इसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है एलोवेरा जेल। ये फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल हम इसके अंदर ऐड करेंगे उतनी ही क्वांटिटी में जितनी में हमने ये चीज़ ली है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े इसका पेस्ट और ज़्यादा मतलब बनाने के लिए तो भी हम इसको दोबारा से और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में लाती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिम्पल हैं उनको भी दूर करता है और इसके अलावा आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाती है। एलोवेरा जेल के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं आपकी स्किन के लिए। इस वक्त बात चल रही है सिर्फ स्किन ग्लोइंग की, वरना ये एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास कॉफ़ी पाउडर, मसूर की दाल और एलोवेरा जेल का एक ऐसा पेस्ट रेडी हो गया है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपकी स्किन के अंदर। ये देखिए, अब आपने इसको अप्लाई करना है, अपने फेस को वॉश कर लीजिए और आप इसको हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको गर्दन पे अप्लाई करना चाहती हैं तो ज़्यादा मज़ीद गर्दन पे, आपको पता है थोड़ी सी स्किन चेंज होती है, ब्लैकनेस होती है फेस की नस्बत ज़्यादा, तो उस पर उसके अंदर अगर आपने इसको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको इसकी टाइमिंग भी बढ़ानी होगी और इसके साथ आपने तकरीबन इसके अंदर लेमन का 1 जो पार्ट है, यानी कि लेमन इतनी सी क्वान्टिटी में अगर आप गर्दन पर यूज़ करना चाहते हैं तो 1 पार्ट जो है लेमन जूस का आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए, वो आपके गर्दन पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। फेस पे आप इसी तरीके से लगाइए, इसको अप्लाई कीजिए 15 मिनट तक, जब ये ड्राई होना शुरू हो जाए। सर्दी का मौसम है, अगर ड्राई नहीं भी होता आपको कि 15 मिनट का टाइम गुजर गया, उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से या के आप रोज वाटर भी यूज कर सकती हैं, उसके बाद मसाज कीजिए 5 मिनट का और इसको उतार दीजिए। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो 5 मिनट का मसाज उसको जरूर कीजिए, मिल्क से करें, योगर्ट से कर सकते हैं, रोज वाटर से कर सकते हैं, आपकी स्किन पे डबल इफेक्ट आएगा।
ये देखिए, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन फेयर ग्लोइंग हो जाएगी, और ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। इसको जरूर आपने शेयर करना है और लाइक के बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी अप्रिशिएटिंग इतनी हो जाती है कि हम आपके लिए और इससे भी ज्यादा बेस्ट जो है वो रेमेडी तैयार करने की कोशिश करते हैं। कल मिलूंगी दोस्तों के साथ एक नई रेमेडी के साथ। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।